नमस्कार प्रणाम जय जय श्री राम। तो अभी आप लोग देख सकते हैं आपका भाई जो है से कि अयोध्या में है, और अभी हम आप लोगों को जो है से कि लता मंगेशकर चौक का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं, देखिए या देखिए लता मंगेशकर चौक से हम अभी आप लोगों को लेकर चलेंगे प्रभु श्री राम जी के जो मेन गेट है वहाँ तक हम आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से लेकर चलेंगे। आप लोग हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, वीडियो अच्छा लगे कि लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जय जय श्री राम आप लोग अवश्य लिखिएगा। इस वीडियो को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम अभी आप लोगों को लता मंगेशकर चौक से प्रभु श्री राम के जो मेन गेट है वहाँ तक हम आप लोगों को लेकर चलते हैं, दिखाते हैं बने रहिए। तो आप लोग देखिए कितना सुंदर, कितना नज़ारा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। देखिए कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है से कि जय जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। काफ़ी सारे आदमी यहाँ पर फ़ोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, देख रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते थे कि हनुमान जी का बहुत बड़ा जो है से कि प्रतिमा लगाया गया है, यह देखिए। और यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं, इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना, क्या बताएं, काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ पे, यह देखिए। और एक चीज़ आपको जो है से कि दिखाते हैं, देखिए कितना भव्य, कितना सुंदर जो है से कि यहाँ पे बनाया गया है। देखिए जो बालू का रेत होता है उस रेत पे जो है से कि प्रभु श्री राम जी का जो नया मंदिर बना उनका जो है से कि यहाँ पे बनाया गया है। देखिए देख सकते हैं, देखिए काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखिए नज़ारा देखने। और याद देखिए, चलिए हम आप लोगों को लेकर चलते हैं प्रभु श्री राम जी का जो मेन गेट है वहाँ तक हम आप लोगों को लेकर चलते हैं, पूरा वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम जी का जो मंदिर है यहाँ से थोड़ा दूर है, इसकी वजह से हम आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाएंगे, पूरा रास्ते तक हम लेकर चलेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा पर आप लोग जो है वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और यहाँ पर इतना अच्छा व्यवस्था है, देखिए यहाँ पे हर जगह जगह पे हीटर लगाया गया था। और ये से देखिए गाछ जो है ना कितना सुंदर, शाम के टाइम में तो इतना सुंदर, इतना भव्य लग रहा था। ये छोटा छोटा बांस का जो टोकरी दिख रहा है ना, उस सारे में जो है से कि लाइट लगे हुए थे, काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा लग रहा था ये शाम के टाइम में। और यहाँ देखिए सूर्य भगवान का भी यहाँ पर प्रतिमा लगाया गया है, सारे आदमी जो है से कि सेल्फी ले रहे हैं। पहले क्या देखिए, देखिए काफी सुंदर, काफी अच्छा लग रहा है भाई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र हनुमान गढ़ी शहादतगंज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र राम की पौड़ी नागेश्वर नाथ मंदिर। और इतना सुंदर, इतना अच्छा डेकोरेशन किया गया था ना कि क्या बताए भाई, चारों तरफ प्रभु श्री राम जी का जो है से कि फूल से, कच्चा फूल से जो है से कि डेकोरेशन किया गया, सजाया गया। देखिए देख सकते हैं, देखिए चारों तरफ। और अभी हम आप लोगों को लेकर चलते हैं, दिखाते हैं।
और आपको एक बात बताते, यहाँ पे जो है से कि काफ़ी अच्छा व्यवस्था था, चारों तरफ जो है से कि प्रशासन के लोग थे। यहाँ के प्रशासन हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत। भंडारा का भी मतलब कि काफ़ी अच्छा व्यवस्था है, हर जगह जगह पे भंडारा है, चाय हो गया, दूध मिल रहा है, चाय मिल रहा है, गर्म पानी मिल रहा है, भोजन भी मिल रहा है। मतलब कि आपको यहाँ पे हर एक चीज़ का सुविधा है। यहाँ पे जो भी राम भक्त है वो कोई भूखा नहीं जा रहे हैं यहाँ से, मतलब कि हर एक जो भी राम भक्त है सारे जो हैं से कि यहाँ पे भोजन कर, या तो कोई दूरी से आए हैं वो भी भंडारा का आनंद ले रहा है, जो दूरी से आ रहे हैं वो भी भंडारा का आनंद ले रहे हैं, और जो है से कि यहाँ के लोकल हैं वो भी भंडारा का मज़ा ले रहे हैं। चारों तरफ एकदम भगवा ही भगवा झंडा लगा हुआ है भाई। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, लेकर चलते। और यहाँ की एक ख़ास चीज़ हमें लगा, अच्छा देखिए, जितना भी यहाँ पे दुकान है वो सारे दुकान पे जो है से कि एकदम खूब सुंदर लाइट वाला बोर्ड लगाया गया है, और जो भी सेटर जो मतलब कि दुकान वाले का सेटर है उस पर एकदम बहुत अच्छा अच्छा चित्र बनाया गया, प्रभु श्री राम जी का चित्र है, प्लस हनुमान जी का गद्दा है, हनुमान जी का है, हनुमान जी हैं, तीर धनुष है। मतलब कि आपको हम बता दें, हर एक सेटर पे मतलब कि चित्र बनाया गया, देख सकते हैं। देखिए आप लोगों को हम वीडियो नहीं दे पा रहे ढंग से, क्योंकि भाई यहाँ पे जो है से कि लाइट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मोबाइल चार्ज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसके वजह से जो है से कि हम आप लोगों को अपडेट नहीं दे पा रहे सही से। और देखिए यहाँ पे जो है से कि भंडारा चल रहा है, यह देखिए, और आप लोग भंडारा खाइए, और उसके बगल में देखिए पानी भी आपको मिल रहे हैं फ्री में। यह देखिए, ऐसा नहीं कि मतलब कि आप भंडारा खा लिया और पानी पीने कहीं और जाना, यहाँ पे आपको जो है से पानी का बोतल भी दिया जा रहा है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते, देखिए काफ़ी संख्या में जो है से कि भक्त, राम भक्त यहाँ भंडारा का आनंद ले रहे हैं। यह देखिए यहाँ पे जो है से कि पंक्ति बनाकर जो है से कि भंडारा दिया जा रहा है, कि माहौल गर्व, मतलब कि भीड़, मतलब कि किसी को मिले किसी को ना मिले, सब राम भक्त को मिले। देखिए लाइन में लगे हुए हैं सारे, और आज यहाँ पे जो है से कि मिल रहा है खिचड़ी और बूंदिया, सारे राम भक्त लोग देखिए भंडारा खा रहे हैं। देखिए पूरा आनंद ले रहे हैं ये लोग। जय श्री राम, पूरा आनंद ले रहे हैं, देखिए पूरा मजे में खा रहे हैं। देखिए ये किस प्रकार डराते हैं, ये देखिए, ये देखिए आप लोग देखे, इन लोगों का मतलब कि इसी प्रकार ये लोग डराते हैं। अगर इनको आप लोग देखेंगे ना तो ये एकदम आँख और अजीब सा गुर के मुँह खोल कर एकदम लगेगा कि जैसे कि आपको काटने के लिए दौड़ रहा है, पर इनको आप लोग परेशान करेंगे तभी ये मतलब कि आप लोगों को भी परेशान करेंगे। अगर रास्ते से चलेंगे चुपचाप तो भाई ये लोग भी कुछ नहीं करते, किसी भी जीव जंतु हो या इंसान हो, किसी को भी आप परेशान करेंगे तो भाई आपको भी परेशान करेंगे। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी जो है से कि चाय का भंडारा चलता है हर समय, जब भी आप लोग आएंगे ना यहाँ पे आपको जो है से कि हर समय एकदम यहाँ पे चाय का भंडारा मिलेगा। देखिए और यह देखिए हर एक जगह मतलब कि यह राम रथ से आपको घुमाया जाएगा। यह देखिए आप लोग मतलब कि देखिए इसके बगल में भी मतलब कि भंडारा चल रहा है, यह देखिए यहाँ भी भंडारे चल रहे हैं। यह देखिए, यह देखिए यहाँ भी भंडारा चल रहा है भाई। यह देखिए लाइन बनाई है, और यहाँ पे जो है से कि देखिए
बाबा लाइन से आइए बाबा। और यहाँ पे जो है से कि आपको देखिए पुलाव खिलाया जा रहा है, भंडारे में पुलाव है और सब्जी है। या देखिए सारे आदमी जो है से कि जय श्री राम, जय जय श्री राम, सीताराम। देखिए सारे आदमी जो है से कि भंडारा खा रहे। देखिए आपको अगर यहाँ पे आएंगे ना, आपको जो है से कि भूखा नहीं सोना पड़ेगा भाई। यहाँ पे हर जगह जगह पे भंडारे मिलते रहते हैं। देखिए यहाँ पे भी जो है से कि सारे आदमी सेल्फी ले रहे हैं। देखिए स्वागतम। या देखो यहाँ पे भी जो है से कि सारे आदमी जो सेल्फी ले रहे हैं। सारे जो भी हम आपको दिखा रहे हैं ना, आर्टिफिशियल फुल फ्लावर नहीं है, ये सारे कच्चा फ्लावर है। सारे कच्चा फ्लावर से जो है से कि यहाँ पे डेकोरेशन किया गया है, आर्टिफिशियल से नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे आर्टिफिशियल फ्लावर होगा, नहीं, सारे कच्चा फ्लावर है। एक पेट्रोल पम्प देख लीजिए, इंडियन ऑयल। ये आप लोग देख सकते हैं, देखिए ये राजा का महल है भाई। शाम से जो है ना यहाँ पे इतना सुंदर देखने को मिलता है, लगता है इतना सुंदर देखने में लगता है कि हम आपको क्या बताएं। अभी तो जो है ऐसे कि दिन है, उतना अच्छा लाइट नहीं दिख रहा, पर शाम के टाइम में आप लोग आएंगे तो काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा जो है ऐसे कि इसका लाइट का डेकोरेशन दिखता है, काफ़ी मस्त। काफ़ी सारे आदमी आते हैं यहाँ पर सेल्फी लेते हैं। देखिए पूरा में लाइट लगा हुआ, ऊपर में जो है से कि जय श्री राम लिखा हुआ, बगल उसके नीचे में जो है से प्रभु श्री राम जी का जो है से कि तस्वीर लगाया गया, नीचे में जय श्री राम लिखा गया। देखिए और ये राम रास्ता आपको श्री हनुमान गड्डी के पास चला जाए, बगल में ही हनुमान गड्डी है, इस रास्ते से आप लोग जो है से कि हनुमान गड्डी जाएंगे। तो भाई यहाँ के जो प्रशासन बहुत अच्छे हैं और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो है से कि बहुत अच्छा से बात करते हैं, बहुत सुंदर लगता है यार। या देखिए देखिए यहाँ पे भी जो है से कि भंडारा किया जा रहा है। ओह भंडारा की कमी नहीं भाई, हर जगह जगह पे आपको भंडारा, जो भी श्री राम भक्त हैं ना वो भूखा नहीं जाएंगे यहाँ से, आपको पहले ही दिखाएं, हर जगह जगह भंडारे मिलेंगे। यह देखिए, और ये भी नहीं है कि आपको थोड़ा सा खाना है, आप भी इच्छा अनुसार जितना भी खा सकते हो। आप तो से निवेदन है व्यवस्था में सहयोग दें, आराम से साइड में खड़े होकर प्रसाद पाएं जी। देखिए जितना प्रसाद पा सके उतना ले, भर पेट खाएं, प्रसाद बिगाड़े नहीं। देखिए हम आपको बताए ना, भर पेट पर आप लोग जो है से प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं भंडारे में। देखिए और आपको पूछ पूछ कर खिलाएंगे, ये नहीं कि आपको काउंटर पे जाएगा, मतलब कि उनके जो कुछ लोग हैं वो घूम घूम कर आपको जो है से कि खिलाते रहते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर, जितना खा लीजिए आप। और भंडारे में आपको जो है से कि हर जगह जगह पे हर एक चीज़ मिलेंगे। चलिए आगे लेकर चलते हैं, दिखाते हैं। यहाँ पे भी भंडारे दिए जा रहे हैं, यह देखो यहाँ पे भी भंडारे मिल रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं प्रभु श्री राम जी का मेन गेट के पास हम लोग आ रहे हैं, आ गए। और आप लोग देख सकते हो यहाँ, देखिए भीड़, भक्तों का भीड़, देखिए राम भक्तों का भीड़, देखिए लाखों लाख लाख क्या बोले भाई, यहाँ पे तो एकदम लाख तो बोल नहीं सकते हैं, बस आप लोग समझ सकते हैं इस भीड़ को देखकर। याद देखिए, याद देखिए, जय श्री राम। याद देखिए, और कच्चा फूल से जो है से कि देखिए प्राण प्रतिष्ठान महोत्सव में आए हुए सभी भक्तों का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्वागत करता है। याद देखिए, या देखिए, और यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए प्रशासन के लोग हैं, मतलब किसी तरह का भगदड़ ना हो,
जो भी राम भक्त है आराम से अच्छे से जो है से कि दर्शन कर पाए। यह देखिए याद देखिए, देख सकते हैं आप लोग देखिए, और इतना प्यार से मतलब कि अंदर जाने दिया जा रहा है। चलिए हम आपको थोड़ा इधर से दिखाते हैं, या देखिए अभी हम आप लोगों को जो है से कि प्रभु श्री राम जी का जो मेन गेट है वहाँ से हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर और कितना जो है से कि भव्य लग रहा है यहाँ पे। देखिए सारे राम भक्त जो है से कि एकदम जाने के लिए अंदर एकदम अंदर से जो है से कि देख सकते, देखिए पूरा एकदम खलबली सा हो रखा है सब, जाएं प्रभु श्री राम जी का दर्शन करें। ओहो, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा खूब शेयर करना भाई, खूब शेयर करना, मन भर के शेयर करना। कमेंट सेक्शन में जय जय श्री राम आप लोग अवश्य लिख देना। कमेंट सेक्शन में आप लोग जय जय श्री राम अवश्य लिखिएगा, और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो को आप लोग किस जगह से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, तो हमें पता चलेगा कि हमारा वीडियो किस की जगह पे देखा जा रहा है। ओहो भाई, जय श्री राम, जय जय श्री राम। देख सकते छोटे छोटे बच्चे बड़े सियाने सारे जो है से कि राम भक्त जा रहे हैं। यहाँ पे भाई काफ़ी लंबे में लाइन लगे हुए हैं, या देखिए अंदर में दर्शन करवाने के लिए जाने दिया जा रहा है। या देखिए जय जय श्री राम दोस्तों। तो अभी आप लोग देखिए आपका भाई जैसे कि लता मंगेशकर चौक से प्रभु श्री राम जी का मेन गेट है वहाँ तक आप लोगों को दिखाया नज़ारा, कितना सुंदर कितना भव्य जो है से कि मतलब कि हर जगह जगह पर कच्चा फूल से सजाया गया था आप लोग देख सकते हैं। देखिए और सारे राम भक्त जो है से कि जा रहे हैं अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए। इस वीडियो को आप लोग जो है से कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे एक लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को आप लोग किस जगह से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइए, तो हमें भी पता चलेगा कि हमारा वीडियो किस किस जगह पर देखा जा रहा है। और कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है जय जय श्री राम आवाज़ से लिखिएगा। तो दीजिए अपने भाई को इजाज़त, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही, जय श्री राम, जय हिंद।